हालांकि अभी इन शॉर्ट में इतना जान लीजिए, रेंट बिटवीन का फॉर्मूला, जैसे मुझे 10 से 90 के बिटवीन की कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट करानी है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला। अब मैं इस फॉर्मूला को जहां जहां कॉपी करूंगा, ये मुझे उसके बीच की वैल्यू देगा। तो फर्स्ट कैपिंग में मैंने 10 दे दिया और मैक्सिमम जो है 90, इसके बीच की कुछ भी दिखा, ठीक है नहीं? इस तरह से मुझे चाहिए। तो अब मैंने कुछ सैंपल डेटा बना लिया अपने पास, अब इस पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होती है हमारे होम टैब में होती है, यहाँ पे सबसे पहले कुछ इसमें रूल्स होते हैं भैया कंडीशनल, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। अपने अपना जो है म्यूट कर लीजिए अगर किसी का खुला है, ठीक है जी, तो पीछे से बैकग्राउंड नॉइज नहीं आएगी। मैं कह रहा था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्चुअल में होती क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है कि जो हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या कलर कुछ भी भरते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं, तो कोई एक ऐसी कंडीशन हो जिसके बेस पे हम फॉर्मेट कर पाए, या किसी कंडीशन के बेस पे हमें फॉर्मेट कराना है, तो उसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसी भी तरह की हो सकती है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ यही करेगी। जो आप वी लुकअप में करते हैं, जैसे किसी डेटा में से कोई वैल्यू सर्च करते हैं, तो ऐसे ही मैं लिस्ट बना सकता हूँ यहाँ पे कि नामों की, अगर यहाँ पे कुछ नाम हो, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इस लिस्ट जो नाम यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ, सॉरी सर, बीच में अगर बोलने के लिए पर डिस्टरबेंस काफी ज्यादा आ रही है। अगर ये बंद हो जाए सबके माइक पे ज्यादा अच्छा रहेगा। माइक तो खुला नहीं है, मेरे को तो कोई माइक खुला दिखा नहीं रहा। कनेक्ट कहाँ हो रखा है? फॉर्मेटिंग होती है जिसमें कोई भी कंडीशन के बेस पे हम फॉर्मेटिंग करते हैं, तो पहले देखते हैं कि कुछ इसके रूल्स हैं। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स, पहली चीज आती है ग्रेटर देन, ठीक है जी। तो मैं ऐसा है डेटा सिलेक्ट करता हूँ, हाईलाइट सेल रूल में से जाता हूँ ग्रेटर देन, कोई भी वैल्यू मैं दे सकता हूँ कि इससे जो बड़ी वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए। मैं कहता हूँ 60 से बड़ी। अभी इसमें टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि टेक्स्ट कंफ्यूज करता है हमेशा, तो उनकी भी वैल्यू बदल जाती है। तो ग्रेटर देन है, कोई मैं स्पेशल फिगर देना चाहता हूं कि 80 से बड़ी जितनी वैल्यूज है वो हाईलाइट हो जाए, तो उस कंडीशन पे हो जाता है। कंडीशन आप यहां इनकी फॉर्मेटिंग आप चूज कर सकते हैं, जैसे अभी दिखा रहा है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ऐसे ही आपके पास है येलो फिल विद डार्क टेक्स्ट, लाइट ग्रीन विद लाइट रेड फिल, ठीक है जी। इसी के तरह से आप चाहते हैं कि अपने तरफ से कुछ दिखाना चाहते हैं, तो कस्टम फॉर्मेट है। कस्टम फॉर्मेट में ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाता है, जिसके अंदर खाली कलर ही चेंज नहीं, जैसे फिल जो करेंगे वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा, फिल मैंने सिलेक्ट कर लिया तो कंडीशन ट्रू होने पे ये हाईलाइट करेगा। पर अब देख रहे हैं कि हमारे पास नंबर फॉर्मेटिंग के भी ऑप्शन है, यानी कि जब कंडीशन ट्रू हो तो स्पेशल फॉर्मेट में हम चाहें तो उसको भी कर सकते हैं कि ये डबल डिजिट में दिखाए, इस तरह भी दिखा सकते हैं। फॉन्ट इसका चूज कर सकते हैं कि कंडीशन ट्रू हो तो कौन सा फॉन्ट यूज करना है, बोल्ड इटैलिक करना है, बॉर्डर कैसा होना चाहिए, बॉर्डर होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या उसका कलर क्या होना चाहिए, बॉर्डर का भी कलर हो जाता है, और बाकी सेल की फिलिंग तो होती है, जैसे मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है, तो ये येलो में दिखाने लगा। तो इस तरह की सेटिंग आप कस्टम फॉर्मेट इसमें चूज कर सकते हैं, इस तरह से हो जाए आपका किसी कंडीशन के ट्रू होने पर, ठीक है जी। अब मैंने ओके किया तो कंडीशन अप्लाई हो गई, 80 से बड़ी वैल्यू उसको कराना है, बाई चांस आपकी वैल्यू बाद में कम हो जाती है तो ये फॉर्मेटिंग
हटा देगा वहां से, ठीक है, जैसे ही आप पार करेंगे ये फिर कर देगा, ठीक है जी। अब पहली चीज ये जानने वाली जरूरी है कि जब भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो हमें पहले ये भी ध्यान देना होता है कि पहले उस सेल पे कोई फॉर्मेटिंग तो नहीं है। अब मैं नेक्स्ट टूल में जाने से पहले इस पे देखूंगा कि पहले कहाँ कहाँ है, पहले कहाँ फॉर्मेटिंग है। तो ये मैनेज रूल का सबसे लास्ट है, इसमें देखेंगे तो अभी क्या है, करंट सिलेक्शन दिखा रहा है, अभी एक सेल सिलेक्टेड है, ये आपको बता रहा है कि ये वाला रूल लगा हुआ है, ठीक है। अब चाहे तो रूल यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, मान लीजिए आपने सिलेक्शन पूरा नहीं किया तो यहाँ से शीट चूज कर सकते हैं। अब दिस वर्कशीट पूरी इस शीट में आपकी कितनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, कहाँ लगी हुई है, ये दिखा देगा आपको, ठीक है जी। उसको यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, अप्लाई कर दूंगा हट जाएगी। किसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एक के ऊपर एक लगा सकते हैं पर जब उसकी जरूरत हो, विदाउट जरूरत में उसको हटा देना चाहिए, नहीं तो वो डिस्टर्ब करेगी। देन आपके पास नेक्स्ट है लेस देन, लेस देन भी सेम वैसे ही काम करता है, बस मैं कहता हूँ कि 20 से छोटी जो वैल्यू है वो हाईलाइट करें, तो ये वैसा कर रहा है, ठीक है। एक और तरीका है इसको हटाने का, आपने सेल सिलेक्ट कर रखी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, क्लियर रूल आपके पास ऑप्शन है यहाँ, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, तो जो मर्जी यूज कर सकते हैं। अभी मैंने सिलेक्ट कर रखा है तो सिलेक्टेड सेल से हटा देते हैं, ठीक है जी। काफी सारे मेथड है इसको करने के। देन आगे नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं, बिटवीन। बिटवीन में क्या होता है कि आप इससे इसकी बीच की, जैसे मैं 50 से 70 के बीच की वैल्यू हाईलाइट कराना चाहता हूँ, 50 से 70 दिया मैंने यहाँ से, मान लीजिए इसमें कहीं से आपको रेफरेंस चूज करना है, हर बार 50 से 70 नहीं रहने वाली, मान लीजिए आपको एक सेल से लेना है, तो ये जो बटन है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उस सेल का रेफरेंस दे सकते हैं। मान लीजिए इस सेल में वैल्यू फॉर्मूला से आ रही है, घटती बढ़ती रहती है, तो यहाँ का रेफरेंस भी दे सकते हैं आप, किसी सेल का रेफरेंस, फिर इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस जगह का रेफरेंस ले लेगा, ठीक है जी, फिर उसके हिसाब से वर्क करेगा। देन आपके पास है इक्वल टू, अभी जब जो मैंने दिखाया ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन जो है नंबर्स पे काम करते हैं, इक्वल टू आपका नंबर पे, टेक्स्ट पे, डेट पे, जो ऊपर वाले ऑप्शन थे वो डेट पे भी काम करते हैं, पर ये आपका तीनों के लिए होता है इक्वल टू, मतलब कोई स्पेसिफिक चीज दे दे कि मैंने जैसे दे दिया 50, तो 50 जहां होगा वो हाईलाइट करा देगा। इसमें मैंने सिलेक्ट करके कोई स्पेशल चीज दे दी इक्वल टू में कि विकास जहां हो वो हाईलाइट करा दे, तो विकास हाईलाइट करा दिया, तो इस तरह के हम काम कर सकते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट आगे चलते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स। टेक्स्ट दैट कंटेन्स में क्या होता है कि आप कोई भी स्पेसिफिक टेक्स्ट थे, या मतलब वो स्ट्रिंग आपकी उसमें अवेलेबल हो किसी, मैंने कहा डबल ई वाले हाईलाइट कर दो, तो जहां जहां डबल ई मिला है इसने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। मैंने कहा जहां एच हो वहां हाईलाइट कर दो, तो जहां जहां एच मिला वहां हाईलाइट कर दिया, ये कहां हो कोई मतलब नहीं, पर जहां भी होगा वो हाईलाइट कर दो, ठीक है। देन अ डेट अकरिंग, ये स्पेशली डेट के लिए फील्ड है, डेट अकरिंग कोई डेट जब हो रही हो, कौन सी इसमें ऑप्शन है, यस्टरडे, कल पढ़ने वाली डेट, अगर कोई यस्टरडे की डेट होगी तो अपने आप कलर कर देगा, देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा है, पर कल की डेट हम डाल देते हैं, जैसे आज की डेट डाल दी मैंने, यहाँ मैं कल की भी डाल देता हूँ, कल क्या डेट थी हमारी, 26 थी, ठीक है जी, हाईलाइट हो गया, और आने वाली डेट है वो 28 कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से ऑप्शन है इसमें, अभी मैं यहां से क्लियर कर देता हूँ जो मैंने किया। देन डेट अकरिंग में आपके पास, अब मैंने स्टडी चूज किया था टुडे वाला भी, टुडे करके ओके करूंगा तो आज की डेट जहां होगी वो हाईलाइट हो जाएगी, देखेंगे आज की डेट हाईलाइट हो चुकी है। देन इसमें करूंगा आने वाली डेट,
टुमारो, कल की हाईलाइट हो गई, कल आने वाले कल, इन द लास्ट 7 डेज, पिछले 7 दिन की डेट हाईलाइट हो गई, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते की अगर होगी तो हाईलाइट हो गई होगी कल, ठीक है जी। इस तरह से डेट के आपके ऑप्शन है, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। तो आप जैसे ही मैंने ये दिखाया था कि फिल्टर में इस तरह का हम यूज कर सकते हैं, बट इसमें क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग तब भी वर्क करता है, फिल्टर जो आपने फिल्टर करके रख दिया वही दिखाएगा, अगली बार फिल्टर लगाएंगे तब एक्चुअल डेटा देगा, बट इसमें क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशन के बेस पे हाईलाइट करता है हर टाइम, जैसे ही चेंज होती है कंडीशन वैसे ही, मतलब जैसे ही दिन चेंज हुआ उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी अपने आप, ठीक है जी, वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। फिल्टर में जो डेटा आपने एक बार फिक्स कर दिया, बीच में चेंज होता रहा, जब दोबारा फिल्टर लगाएंगे उसी चीज पे तो इफेक्ट दिखाएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में साथ के साथ आपको इफेक्ट मिलता है। देन आगे बढ़ते हैं इसमें, डुप्लीकेट वैल्यूज, मान लीजिए इसमें आपके कहीं डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज डुप्लीकेट है, अभी तो सारी की सारी डुप्लीकेट है इसलिए सबको दिखा रहा है। लेट सपोज एक नई लिस्ट लेते हैं, उसमें हम देखते हैं, मान लीजिए कुछ वैल्यूज डुप्लीकेट हैं, एक आधे डुप्लीकेट कर देते हैं, यहाँ कर लिया हमने, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने डुप्लीकेट वैल्यूज, तो जितने डुप्लीकेट होंगे उनको हाईलाइट कर देगा, ठीक है जी। और कहेंगे डुप्लीकेट तो पता लगाने का बता दिया, पर इसका बहुत तरीका बता दो कि जिससे डुप्लीकेट मतलब यूनिक कर जाए, तो डेटा में जाके आप इसको रिमूव डुप्लीकेट का एक ऑप्शन है यहाँ पे डेटा टूल्स के अंदर, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम जी, ओके, सिलेक्टेड वैल्यू जितनी भी होगी वो सारे डुप्लीकेट यूनिक कर देंगे। देन आपके पास आगे देखते हैं इसमें, इसके बाद इसमें टॉप एंड बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, इस तरह से यहाँ पे मैं करता हूँ टॉप एंड बॉटम, टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10 का ये मतलब नहीं कि 10 ही आएंगे, 10 की जगह 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो जितने भी आइटम है टॉप से मैक्सिमम से वो हाईलाइट कर देगा, ठीक है, वो इसने हाईलाइट किए होंगे जगह जगह। अभी फिल्टर पे क्यों आया, क्योंकि ये बार बार बदल रहा है, अपनी रेंज बदल रहा है, क्योंकि ये रैंड बिटवीन क्या होता है, हर एक बार रिफ्रेश होने पे अपनी वैल्यू बदल देता है, अब नहीं बदलेगा, अगर मैं चूज करूँगा अब नहीं बदलेगा, मैक्सिमम 10 जो थे या 15 जो भी मैंने चूज किया था वो दिखाने लगा, ठीक है। एक होता है 10%, एक होता है इसमें परसेंटेज का ऑप्शन, टॉप 10%, परसेंट में क्या होता है, जैसे आपका टोटल डेटा मैंने 700 रोज का बनाया तो 70 रोज 10% छांट के मुझे दे देगा, ठीक है, वो हाईलाइट कर देगा। इसमें से मैं लगा देता हूं टॉप 5%, 5% मैंने लगा दी इसमें, तो परसेंटेज के हिसाब से 5% ऑफ डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा टॉप का, जो हाईएस्ट होगा। देन इसमें आपका है बॉटम 10, बॉटम में मतलब छोटे वाले दिखाएगा, बॉटम 15 आइटम्स, बॉटम 15 इसने हाईलाइट कर दी, इसी तरह बॉटम 10% भी है, जिसमें आप परसेंटेज चूज कर सकते हैं कि इतने परसेंट ऑफ लोएस्ट डेटा मेरे को दिखा दे। देन इस पे अबव एवरेज, अबव एवरेज में क्या होता है, ये सारे डेटा की पहले एवरेज निकाल लेता और एवरेज से जितने बड़े होते हैं उनको फॉर्मेट कर देता है।
इसी तरह बिलो एवरेज होता है, पूरे की एवरेज निकाल के जो भी एवरेज से बिलो है उनको कर देगा हाईलाइट। इसके बाद हमारे पास है डेटा बार्स। डेटा बार्स कहीं कहीं आपका कॉलम चार्ट्स की तरह काम आते हैं, जैसे कॉलम चार्ट्स आपके होते हैं उसी तरह से ये विद इन सेल के एक चार्ट की तरह दिखाता है आपकी वैल्यूज को। जैसे मैक्सिमम वैल्यूज के लिए आपका फुल कॉलम दिखाए, फुल कॉलम दिखाएगा, और कम वैल्यू होगी तो कम दिखाएगा। जैसे 90 है तो ये दिखा रहा है, 50 है तो आधा दिखाएगा, 10 है तो और कम दिखाएगा। अब इसमें दूसरी कंडीशन मिक्स हो रही है, ठीक है जी। अगर इसमें ये इसका यूज कहाँ होगा? ये बस क्या होता है ना कि ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए इसका यूज होता है। अब आप जैसा मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे पिंक यहाँ पे दो लगा हुआ है, बॉटम 15% वाला लगा हुआ है, उसके कारण हाईलाइट हो गया डेटा बार। तो इसमें क्या करना है, आपको एक जो है आप नहीं चाह रहे हैं उसको डिलीट कर सकते हो। मैं सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, वो डेटा बार चाह रहा हूँ तो, ठीक है। इसी तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओवरलैप हो जाती है, ध्यान रखने वाली बात। देन डेटा बार्स के बाद है हमारे कलर स्केल। ऐसा होता है ना, देखिए अब यूज कहाँ होता है इसका। मान लीजिए मैंने ये लगाया, अभी आपको 10-70 में डिफरेंस करने में कुछ भी नहीं पता पड़ा, मतलब देखने में ही पता पड़ जा रहा है कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। और मान लीजिए ये फिगर आपकी होती करोड़ों में तो नहीं पता पड़ता आपको कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है ना, रीडेबल ही नहीं होती। तो उस जगह क्या है कि आपका एक ट्रेंड सा दिख रहा है आपको, आप मतलब स्क्रॉल करते जाइए आपको समझ आ रहा है कि कहाँ ज्यादा हुआ है कहाँ कम हुआ है, ठीक है जी। बेसिकली जहाँ वैल्यूज ज्यादा बड़ी हो वहां पे हम लोगों को ये काम आएगा। हाँ जी हाँ जी, वैल्यूज ज्यादा बड़े हो, एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा की, ठीक है जी। ठीक है सर, समझ। चार्ट्स भी वही होते हैं, चार्ट्स वगैरह क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता था ना पहले जब चार्ट्स शुरू हुए थे राजा महाराजा के टाइम पे, उस टाइम लोगों को मतलब इतना पढ़ाई लिखाई भी नहीं करते थे वो तो बस लकीर खींच के बता देते थे जी इतना फायदा हुआ था, पिछली बार इतना हुआ था, इस बार इतना हुआ, तो वो आइडिया लग जाता है। इसी तरह हमारी मैनेजमेंट भी होती है, उनके पास भी टाइम नहीं होता देखने के लिए, तो इस तरह से कलरफुल बना के देते हैं ना उन्हें, तो उनके एक लुक में समझ आ जाता है कि भाई लोग चल क्या रहा है, ठीक है सर। इसका बेसिक बेसिक फंडा यही है, चार्ट्स का भी यही है। तो कलर स्केल्स हैं, कलर स्केल हालांकि लोगों के लिए इजीली अंडरस्टूड नहीं है, उनको समझ नहीं आते, और बाकी इसका यूज भी बहुत कम होता है, पर कलर स्केल का यूज होता है। जैसे मैंने कोई कलर स्केल लिया, आप जैसे आप देख रहे हैं लोएस्ट वैल्यू में मुझे रेड दिखा रहा है, जैसे ही मैं इसमें बढ़ता जाऊंगा तो कलर चेंज हो जाता तो होता जाएगा। मैं जैसे जैसे बढ़ रहा हूँ मिडल की तरफ तो ये मुझे थोड़ा सा येलो सा होता दिख रहा है, रेड से येलो की तरफ जा रहा है, 50 पे पहुंचा तो येलो आ गया, फिर अब ये येलो से ग्रीन पे जाना शुरू करेगा, तो कॉम्बिनेशन क्या है रेड येलो ग्रीन का, ठीक है जी। मैक्सिमम वैल्यू पे पूरी तरह ग्रीन हो जाएगा, तो कलर स्केल इसलिए यूज करते हैं, ठीक है जी। हालांकि इसके लिए डेटा बार ही बेस्ट रहता है, कलर स्केल में ये चीज समझ नहीं आती, ठीक है जी। दूसरी जो सबसे पावरफुल चीज है, जो इम्पोर्टेंट चीज है, हालांकि लोग यूज नहीं करते पर इसको करना चाहिए, आइकन सेट। आपके आइकन सेट्स भी होते हैं, आपको एक झटके में दिखा देते हैं, 3 आइकन 4 आइकन 5 आइकन जितने भी हैं। मान लीजिए आपका सेल्स का डेटा है तो मैं कहता हूँ कुछ बहुत अच्छे सेल्स कर रहे हैं, कुछ एवरेज कर रहे हैं और कुछ बहुत ही बेकार कर रहे हैं, तो बहुत ही बेकार वालों के आगे क्रॉस लगा दे, और जो एवरेज कर रहे हैं साइन अप एक्सक्लामेशन दिखा दे कि इम्प्रूवमेंट का चांस है, और जो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं वहां राइट का साइन दिखा दे, ठीक है जी। तो मुझे अब देखिए मुझे डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक झटके में मुझे पता पड़ रहा है क्या हो रहा है जी, मेरा क्राइटेरिया फिट बैठ गया, ठीक है जी। मुझे पता पड़ गया ये अच्छा कर रहा है आगे, ये अच्छा कर रहा है, सीधा सीधा इसके हिसाब से भी चार्ट सकता हूँ मैं। यहाँ पे फिल्टर बाय कलर होता है ना, तो बाय सेल आइकॉन भी हम फिल्टर कर सकते हैं देखने के लिए, जितने आपने लगाए होंगे उतने आ जाएंगे।
कलर गायब कर देता हूँ। तो आइकॉन्स का भी यूज करते हैं, इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज है। अलग अलग तरह के आइकॉन्स है हमारे पास, मोबाइल सिग्नल जैसे भी हैं। अब इसमें कंडीशन कैसे फिट करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है जी। अभी तक तो मैंने बताया कि मैंने लगाए हैं, ठीक है जी। इसके आइकन सेट्स में हम कंडीशन भी, कोई भी जो मैंने अबव रूल बनाए वो थे प्री डिफाइंड, जो स्टैंडर्ड एक ही जैसे चलते हैं, ठीक है जी। आपको मन से कुछ बनाना है इनमें से तो न्यू रूल में जाएंगे आप। न्यू रूल यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या मैनेज में जाके न्यू रूल यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब वही सारे ऑप्शन जो अवेलेबल थे वो आपको यहाँ मिलेंगे। पहला है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, ठीक है जी। उनकी वैल्यूज के बेस पे क्या फॉर्मेट करना है, टू कलर स्केल। मैंने कहा थ्री कलर स्केल करना मुश्किल है, तो टू कलर बेशक यूज कर सकते हैं। टू कलर जैसे हम लोग कहते हैं कि रेड से येलो की तरफ जाए, ठीक है। इसको अप्लाई कर देता हूँ तो रेड से येलो की तरफ मुझे सीधा पता पड़ जाएगा कि रेड है तो मतलब बहुत ही बुरा है, जो थोड़ा सा येलो में आ रहा है वो अच्छा है। इस तरह से ट्रेंड चेक करने के काम आता है। और हालांकि ये कहाँ यूज होता है वैसे, इसको जैसे आप मल्टीपल ऑफ डेटा करेंगे ना, यहाँ तो एक ही सेल का डेटा है। अभी इस सेल को खींच के मैं ऐसे बड़ा कर दू यहाँ तक कर दू, तो उसमें कौन सी ठीक गई कौन सी बेकार गई इसमें थोड़ा समझ आने लायक बन जाता है। इसको बड़ा कर देता हूँ और इसमें भी मैं फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग है तो फॉर्मेट प्रिंटर से इसको दूसरी सेल पे भी अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है जी। अब देखिए पिक्चर क्लियर है, तो ये चीज समझने में थोड़ी आसान हो जाती है। जैसे लंबा चौड़ा डाटा है तो हमें पता पड़ जाएगा कि यार पीले पीले यहाँ ठीक चल रहा है, जहां ज्यादा लाल आ गया वहां गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देखने में जैसे बहुत ही अच्छों में किसका आएगा, जैसे ये आ रहे हैं ये ठीक चल रहे हैं, ठीक है। जहां लाल लाल ज्यादा हो गया मुझे समझ गया कि मैंने इनकी गड़बड़ हो गई, पीला पीला ज्यादा आ गया येलो ज्यादा आ गया तो वो ठीक चल रहे हैं, जैसे ये रेड आ गया पूरा यहाँ गड़बड़ चल रही है, ठीक है। तो यूसेज के ऊपर है, अपना जैसे मर्जी वैसे यूज कर सकते हैं, कोई वो बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब मैं बता रहा था कि न्यू रूल से हम जाके लगाते हैं कोई भी कंडीशन हो जो कि आप मैं कस्टम लगानी, न्यू रूल पे गया मैं, तो एक हमारे पास टू कलर स्केल है जिसमें हम ये भी सेट कर सकते हैं कि जैसे लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे दे रखा है स्केल, हम चाहे तो चूज कर सकते हैं नंबर वगैरह परसेंटेज वगैरह कि मिनिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए और मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, तो ये अपना जो फॉर्मेट है उसी पे कंप्लीट कर देगा। थ्री कलर स्केल है हमने देखा था, उसमें भी वैल्यू सेट कर सकते हैं चाहे तो। डेटा बार है लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है जी। डेटा बार को भी चूज कर सकते हैं कि लोएस्ट क्या होनी चाहिए हाईएस्ट क्या होनी चाहिए, पता चले पूरे कॉलम नहीं दिख रहे हम तो वैल्यू सेट कर सकते हैं। शो बार्स होंगे, शो बार्स में क्या होता है, मैंने सिलेक्ट कर लिया ओके कर दिया, अब मुझे वैल्यू नहीं दिखा रहा खाली ये कॉलम सी दिखा रहा है, बार्स दिखा रहा है खाली, ठीक है जी। चाहूं तो वैल्यू दिखाऊं नहीं तो ना दिखाऊं। देन आपके आइकॉन सेट है, अब आइकॉन सेट में आपने कंडीशन सेट करनी है। अब जैसे मेरा डेटा कुछ भी है, अब मैंने कहा ग्रीन कब दिखाना है मुझे, साइन कौन कौन से यूज कर सकता हूँ, यहां से यूज कर सकता हूँ थ्री साइंस फोर कलर जितने भी चाहिए, मान लीजिए ये ले लिए। मैंने कहा जब मेरी वैल्यू 70 से अबव हो,
71 से अबव, 70 से अबव तो ग्रेटर देन इक्वल टू एन नंबर, परसेंट भी चूज कर सकते हैं कि इतना 70% से ऊपर आने चाहिए, या फिर वैसे भी चूज कर सकते हैं 71 डाल देते हैं। यहाँ पे भी नंबर चूज कर लेता हूँ, तो मैंने कहा ये जब दिखाया कि जब 71 से छोटी हो और 50 से बड़ी हो, ठीक है जी, वहां रेस्ट ऑफ अदर के लिए फिर अपना ये आ जाता है क्रॉस आइकॉन के ऑर्डर बदलने हैं तो ऐसे ही इसको रिवर्स आइकॉन ऑर्डर है, ठीक है जी। खाली आइकॉन दिखाने हैं तो शो आइकॉन ओनली कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ आइकॉन ही दिखाएगा। तो आपके पास इस तरह की सेटिंग है, मान लीजिए मैंने यहाँ से लगा दिया, मैंने आइकॉन वहां पे नहीं समझ आ रहा था, आइकॉन सेट यहाँ से ये वाला लगा दिया क्रॉस वाला। अब जाके देखना है, मैनेज रूल में चला गया, यहाँ पे एडिट रूल कर सकते हैं, तो ये आपके सामने सेटिंग आ रही है, इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। देन उसके बाद है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स। अब उसमें मैंने आपको खाली एक चीज दिखाई थी कि दैट कंटेन्स वाला चल रहा था खाली, कि जिसमें डबल ई था या एच था वो हाईलाइट कर रहा था, ठीक है जी। बट उसमें और भी कंडीशंस हो सकती हैं हमारी, क्या हो सकती हैं, कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट है कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग, बिगिनिंग विद, मतलब एस से शुरू होने वाले, ठीक है जी, एस से शुरू होने वाले फॉर्मेट कर दें हम, कैसे चाहिए, येलो होने चाहिए, ओके कर दिया, एस से शुरू होने वाले कर दिए, तो जो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए थे उनसे कहीं ज्यादा ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। इस पे और स्पेसिफिक जा सकते हैं, डेट के लिए, ब्लैंक्स के लिए, नो ब्लैंक्स, ब्लैंक्स ना हो, एरर के लिए नहीं था तो एरर कोई हो तो उसको कलर करा सकते हैं, ठीक है जी, तो कुछ भी करा सकते हैं इसको। देन टॉप एंड बॉटम रैंक, टॉप 10 यहाँ पे परसेंट पे सेट कर देंगे तो परसेंट हो जाएगा, यही बॉटम का भी है आपके, ठीक है जी। देन अबव बिलो एवरेज का यहाँ पे ऑप्शन है, अबव बिलो एवरेज के लिए इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, चाहे तो चूज कर सकते हैं। फॉर्मेट ओनली यूनिक एंड डुप्लीकेट वैल्यूज, डुप्लीकेट यूनिक यहाँ से चूज कर सकते हैं, सेम चीज करेगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें भी आपके मतलब कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती है तो फाइनली आप यूज कर सकते हैं एक फॉर्मूला जो आपको ये वैल्यूएट करके देगा कि ये कंडीशन ट्रू ही फॉल्स है। देखिए फॉर्मूला हमेशा ट्रू फॉल्स में काम करता है, ठीक है जी, इसको अगर आप ट्रू देंगे तभी कलर कराएगा, लिखा हुआ है ना फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, तो हमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ता है पहले। अब मान लीजिए ये 7 दिन की सेल्स है, ठीक है जी, अब 7 दिन की सेल्स है तो मैं कह रहा हूं कि जिसकी सेल, इसका टोटल करके देखते हैं पहले कितने हूं, 323, मैंने कहा जिसकी सेल 400 क्रॉस करी है, ठीक है जी, या 350 क्रॉस करी है, वो हाईलाइट कर दे, और वो भी हाईलाइट कैसे करें, पूरी रो यहां तक करें, यहां से लेकर यहां तक रो करें पूरे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, हमें आंसर चाहिए ट्रू फॉल्स में, जिसके लिए हमें लॉजिकल फॉर्मूला चाहिए। लॉजिकल फॉर्मूला जो होता है जो आप इफ के अंदर लगाते हैं कि दिस ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब लगा के तो आंसर आता है उनका ट्रू फॉल्स, उनको इफ की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली भी लगा सकते। तो मैंने क्या कहा कि अगर सम इक्वल टू है 350, ठीक है जी, मैंने यहाँ पे ये इक्वल टू लगाया है जो कि मुझे ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देगा, अभी मुझे फॉल्स बता रहा है, नीचे ट्रैक करूंगा तो ट्रू बताएगा। एक और कंसेप्ट होता है कि जब मैं किसी सेल को ड्रैग करता हूं तो अभी क्या है, D2 से J2 दिखा रहा है और यहां सिलेक्ट करूंगा तो E2 से K2 दिखा रहा है, मतलब मेरा एक रेफरेंस कम हो गया। तो ड्रैगिंग के लिए लॉकिंग भी जरूरी होती है, लॉकिंग में मैंने मतलब ये सेल मुझे लॉक करनी पड़ेगी तो डॉलर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब डॉलर भी मैं हर एक पे नहीं लगा सकता, मुझे तो कॉलम, जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूं मैं चाहता हूं रो में बढ़े, पर जब इधर को ड्रैग करूं तो कॉलम में ना बढ़े,
ठीक है जी, डी टू का ई टू नहीं होना चाहिए, पर डी टू का डी थ्री जरूर हो जाना चाहिए जब नीचे जाए। तो इसका सिंपल सा फंडा है, जिसको बढ़ने से रोकना चाहते हैं उसके आगे डॉलर लगा दें। अब ए बी सी डी क्या है, कॉलम है, 1 2 3 4 रो है, तो मेरे को किसको बढ़ने से रोकना है, कॉलम को, उसके आगे मैंने लगा देना डॉलर, ठीक है जी। सिंपल सा फंडा है, कोई इसमें वो नहीं, लगा दिया। अभी मुझे ट्रू फॉल्स में रिजल्ट दे रहा है, मैं नीचे तक कर दूं तो इसमें कहीं देखूं ट्रू आया है, ट्रू कहां आया है, आया है। अभी ये फॉल्स हो गया क्योंकि वैल्यू फिक्स नहीं है, वैल्यू फिक्स कर दूं, देन ये एक्चुअल दिखाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला रिफ्रेश के बाद चेंज होता रहता है, ठीक है जी। तो ट्रू वाली मेरी आ गई यहाँ पे, ठीक है जी। अब मुझे यही फॉर्मूला सेम इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फिक्स करना, ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, मैंने फॉर्मूला को प्रोटेक्टेड बना दिया है कि ताकि मैं मतलब ड्रैग करूंगा डॉलर लगा के तो भी चेंज ना हो। अब इस फॉर्मूला को मैंने यहाँ से कॉपी करना है इक्वल टू से पहले का, और उस सेल पे आ जाना है जहां मैं ये लगाना चाहता हूँ, ठीक है जी। मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगाना चाहता, एक ही सेल पे लगेगा फॉर्मूला, जो भी लगेगा एक सेल पे लगेगा, पूरा सिलेक्ट करके नहीं लगाते, ठीक है। न्यू रूल में गए, यूज फॉर्मूला में गए, यहाँ डाल दिया, और फॉर्मेट में जाके येलो सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, ओके। अब यहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई हो गई, अब मुझे क्या करना है, फॉर्मेट प्रिंटर लेके पूरे डेटा में इसको फेर देना है। पूरे डेटा में कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, यहां से दिखाऊंगा आपको ट्रू वाले, येलो हो चुके, ठीक है जी। अगर कोई भी कम पे जाता है तो ये जैसे ही फॉर्मूला फॉल्स होगा ये अपने आप उसको छोड़ देगा, ठीक है जी। तो ये आपका फॉर्मूला भी आप इसमें यूज कर सकते, ठीक है जी। फॉर्मूला से रिलेटेड आपको मैं प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, इसमें कंडीशन उसमें आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग एकदम क्लियर हो जाएगी। हालांकि मैं आपको अभी भी दिखा देता हूँ कि मैं क्या बनवाने वाला हूँ आपसे, अगर आप पहले इसको बना पाए तो बहुत ही बढ़िया, प्रैक्टिस तौर पर ले लीजिए उसे, नहीं तो मैं तो आपको बनवा के दिखा, मैं इसको प्रैक्टिस करवाऊंगा और आपका काम होगा कि उसको रिपीट करना है। ठीक है, ये देखें, ये एक फॉर्मेट है, बाकी सब तो फॉर्मूला है, बट ये कैलेंडर की तरह वर्क कर रहा है। संडे हाईलाइटेड है, जैसे मैं यहाँ से मंथ चेंज करता हूँ तो सैटरडे संडे अपने आप ये कलर हटा देता है। तो इसी तरह के बहुत सारे काम करा रखे हैं मैंने, जैसे अभी आए तो हम क्या चल रहा है, अभी अक्टूबर, इसमें आए तो आप ये देख रहे हैं कि करंट डेट पे भी ये हाईलाइटेड है, ठीक है जी। देखने वाली ये बात है कि इससे आगे हाजिरी भी देगी, और ये सब फॉर्मूला है, आप देखेंगे तो हर एक सेल में ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है जो हाजिरी भी कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है जी। और इसमें कोई इनकी लीव भी होती है, मान लीजिए हॉलीडे जिस दिन ना हो, या कोई सरकारी छुट्टी हो, मान लीजिए 24 तारीख को कोई सरकारी छुट्टी थी, मैं इसमें सरकारी छुट्टी डाल देता हूँ, 24 अक्टूबर 14, ये पुराना बनाया हूँ, ये क्या है अलग से हॉलीडे कर देगा, फिल कर देगा, ठीक है जी। इसी तरह किसी ने लीव ले ली 23 अक्टूबर को, मान लीजिए कोई था बंदा ले लिया उसने, मान लीजिए इस बंदे ने ले ली 23 अक्टूबर 14 में, नाम डालू ना डालू कोई फर्क नहीं पड़ता, लीव ले ली, तो यहाँ पे लीव है इस तरह से हाईलाइट हो जानी चाहिए,
तो ये सारा काम जो है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हुआ है। तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इसको अपने घर पे, और बाकी नहीं तो हम कल करेंगे इसको, या फिर एक फॉर्मूला इंट्रो देख लेंगे उसके बाद थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले इसके अंदर लगेंगे। ठीक है जी, तो एक फॉर्मूला इंट्रोडक्शन करेंगे, देन इसके इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। ठीक है जी, आप लोग चाहें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सर ये शीट आप लोग ईमेल करेंगे आप? कौन सी वाली? वो अटेंडेंस वाली? हाँ जी भेज दूंगा, चलिए मैं भेज देता हूँ साथ में, आपको भेज देता हूँ, अब देखे उसको ट्राई कर। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने देखना बताई दिया आपको, मैंने जो मैं जाके आप देख सकते हैं, एक बार स्टडी कीजिएगा, बाकी नहीं होगा तो हम बताएंगे। ठीक है चलो ठीक, ओके सर, तो आज के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।